मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूँ जिसकी एक बीवी है और दो बेटियां, यही मेरी दुनिया। समीर देशमुख, आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग। 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था। नहीं तो कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए। अब हम क्या करेंगे? अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? लगभग 8:30 बजे। क्या खाना खाया? पाव भाजी। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। दो चार पटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी। तेरा खेल खलास विजय साढ़े गाँव के मास्टर स्ट्रोक, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया। क्या क्या तुम लोगों ने सैम के साथ? बोल, हम जो कर रहे हैं वो गैर कानून। और मेरे बेटे का क्या, उसे कौन ढूंढेगा? बता सच क्या है? बता दूं मैं। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीवर, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री में एक जमाना होता है, जिनके नाम से बॉलीवुड की पहचान की जाती है। चाहे जितना भी अरसा गुजर जाए, ऐसी मूवीज हमेशा हमारे जहन में फ्रेश रहती हैं। इनमें से एक मूवी दृश्यम, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। अब उसका सीक्वल दृश्यम 2, जो कि अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी, रिलीज होने जा रही है। ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको अपना बेहतरीन डायरेक्शन दिया है अभिषेक पाठक ने। इस मूवी के मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सारन और अक्षय खन्ना। दोस्तों, दृश्यम 2 रिमेक होने वाली है 2021 में मलयालम मूवी दृश्यम की। एक लाइन में कहें तो ये मूवी दृश्यम 2 मलयालम की सीक्वल की रिमेक है। दृश्यम को देखकर लगता था कि कोई भी मूवी इसकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मलयालम की दृश्यम 2 एक ऐसा सीक्वल निकला जिसने ओरिजिनल मूवी को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इस बार कहानी और भी ज्यादा सस्पेंस और खतरनाक हो गई थी। अब देखना यह है कि बॉलीवुड की दृश्यम 2 सीन टू सीन मलयालम मूवी की कॉपी होने वाली है या कुछ चेंज किया है, क्योंकि एक मूवी जो पिछले साल ऑडियंस की लिस्ट में नंबर 1 पर थी, इस मूवी का रिमेक करके लोगों को दिखाना आसान होगा या मुश्किल, ये तो नवंबर 2022 में इस मूवी को देखकर ही पता लगेगा। इस मूवी में अजय देवगन वही पुराने वाले हैं, लेकिन इस बार वो टीजर में अपना जुर्म जो है वो कबूल कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। तो वीवर, दृश्यम 2 सीक्वल और दृश्यम 2 रिमेक में आपको कौन सी मूवी पसंद आने वाली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।